हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका बुटीक में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा लटकन का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। तो देखिए, ये मैंने 4x4 इंच का कपड़ा लिया है। इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप दिया है और इसे इजिली जैसे सभी लोग सिलाई लगाते हैं वैसे ही मैंने भी लगाया है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दें कि इस तरह से आप लोगों को सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है, ये बहुत ही गलत है। और इसको सिलाई लगाने के बाद इसका जो मार्जिन दिख रहा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा भद्दा लगता है। तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, ज़्यादातर लोग ऐसे ही बनाते हैं तो इसका जो ये सिलाई का धागा है ये दिखता है और वो लटकन बहुत बेकार लगता है। तो चलिए इसकी फिनिशिंग कैसे लाएँ वो मैं दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ सही तरीके से कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, ये स्क्वायर शेप का मैंने कपड़ा लिया है और इसके बीच में मैंने डोरी लगाई है। अब यहाँ से मैं इस पर एक सिलाई लगाते जाऊँगी और दूसरे कॉर्नर तक लेकर जाऊँगी। तो इस तरह से मैंने एक साइड सिलाई लगाई है, अब दूसरी साइड रह गई। यहाँ पे मैं एक अंगुल कपड़ा छोड़ के यहाँ तक सिलाई लगाऊँगी। तो देखिए, ऐसे मैंने इस तरह से सिलाई लगा लिया। अब जो कपड़ा यहाँ पर थोड़ा सा जो खुला हुआ दिख रहा है आप लोगों को, उसी में से मैं इस कपड़े को यहाँ ऊपर तक ले जाऊँगी। इस तरह से आपको खींच के ले जाना है और अंदर की साइड जितने भी सारे कपड़े हैं उसे निकाल लेना है। तो आप पेचकस की हेल्प से इसे अच्छे से निकाल सकती हैं। तो देखिए, इस तरह से मैं इस कपड़े को निकाल लूँगी। अभी ये निकल चुका है और इसका कोना जो है इसे आपको अच्छे से ही निकालना है, ताकि ये बनने के बाद इसकी लुक जो है बहुत ही बेहतरीन आए। तो इस कैंची की नोक से मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इस पर एक और सिलाई लगानी है थोड़ी सी, ये जो खुला हुआ भाग है उस पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी मैं। तो देखिए, इस तरह से इस पर सिलाई लगा लिया है। अब मैं इस लटकन को पलट के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका ये लुक कैसा लग रहा है, ये है फाइनल लुक। ये बहुत ही प्यारा लटकन बनकर रेडी हो गया है। अगर आप लोगों की इसकी सिलाई समझ में आई, अच्छी लगी, तो मेरे चैनल प्रियंका बुटीक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।